सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना आज से एक बार फिर शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पहली ट्रेन गुजरात के द्वारकाधीश के लिए रवाना की जाएगी। बता दें कि कोविड-19 संक्रमण के चलते पिछले दिनों मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को रोक दिया गया था। दिल्ली सरकार दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों पर लेकर जा रही। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज पहली ट्रेन करीब 2 माह बाद द्वारकाधीश के लिए रवाना की जाएगी। वहीं दूसरी ट्रेन 18 फरवरी को रामेश्वर के लिए रवाना की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों कोविड-19 की वजह से तीर्थ यात्रा को रोक दिया गया। वहीं अब जब कोविड-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है तो यात्रा एक बार फिर शुरू की जा रही, लेकिन इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही जल्द ही अन्य तीर्थ स्थलों के लिए भी ट्रेन की घोषणा की जाएगी। यह यात्रा पूरी तरह से निशुल्क और दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही। इस यात्रा का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी।